मान्यवर, इसमें से दो सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए होगी जो घाटी से विस्थापित हुए हैं, और एक सीट पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों के लिए नामित की जाएगी। इसमें से एक महिला होना जरूरी है। इस प्रकार का एक कानूनी सुधार लेकर आज मैं यहां पर हुआ है। डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित की गई है और एसटी के लिए 9 सीटें और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 20 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था करें। नई जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी, ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर, 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, अब 5 नॉमिनेटेड मेंबर मान्यवर इसमें होंगे। जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और धारा 15 के अनुसार किया जाता है, और अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से 2, जिसमें से एक महिला, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से एक नामांकन किया जाएगा। मान्यवर, ये इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी, और धारा 370 चली गई। इसी का हिस्सा था ये डिलिमिटेशन कमीशन। सुरक्षा का परिदृश्य मैं इस पर बारे में बाद में बात करूंगा। ढेर सारे सदस्यों ने इसकी चिंता भी व्यक्त की है, मैं भी चिंतित हूं, परंतु क्या हुआ है वो बताना ये मेरा फर्ज है, क्योंकि एक ओर से रिकॉर्ड पर चीजें आ गई है तो मुझे जवाब तो जरूर उसका देना पड़ेगा। और आज जो धारा 370 हटने के बाद क्या विकास हुआ, आतंकवाद तो अब भी चल रहा है, कश्मीरियत का कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीजों के जवाब मैं बहुत डिटेल मान्यवर दूंगा। और ये दोनों जो संशोधन है वो संशोधन आने वाले दिनों में इतिहास इस सदन के इस प्रयास को और सदन के आशीर्वाद को हर कश्मीरी जो प्रताड़ित है वो याद रखेगा, हर कश्मीरी जो पिछड़ा है वो याद रखेगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 70-70 साल से दर दर की ठोकरे खाने वाले भटकते हुए अपने ही देश के भाइयों बहनों को न्याय दिलाने के लिए उनको 2 सीटें का रिजर्वेशन दिया और अपना देश छोड़कर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से यहाँ शरणार्थी बने हुए लोगों को रिजर्वेशन दिया, और जो डिप्राइव थे उनको कमजोर लोग ऐसे अपमानित करने वाले शब्द की जगह पिछड़ा वर्ग का संवैधानिक शब्द इनके लिए रखकर आज ये बिल लगभग लगभग आए। इन्होंने क्या कहा, कई सदस्यों ने पूछा कि क्या हुआ है इनके लिए, विस्थापितों के लिए क्या हुआ है, रिजर्वेशन देने से क्या होगा। रिजर्वेशन देने से उनकी आवाज कश्मीर की विधानसभा में गूंजेगी और फिर कोई ऐसी स्थिति करना जाएगा तो नहीं रोकेंगे वो, क्योंकि उनकी आवाज वहां। तो ये बिल है वो उनको अधिकार देने का बिल है, ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का बिल। आज वो लोग ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव लड़कर वहां की असेंबली में बैठ पाए। जो कहते हैं क्या हुआ धारा 370, क्या हुआ 5 और 6 अगस्त, 5 और 6 अगस्त 2019 में ये हुआ कि इनकी सालों से न सुनने वाली आवाज नरेंद्र मोदी जी ने सुनी और आज उनको अधिकार मिला। मान्यवर, जिस 5 और 6 अगस्त का बिल 2019 का कुछ लोगों को जूते में पड़े कंकर की तरह खटकता है, उनको मैं बताना चाहता हूं
इसी बिल का हिस्सा था न्यायिक डिलिमिटेशन। ये एक शब्द नहीं है, दो शब्द जोड़कर बना है, क्योंकि पहले जो डिलिमिटेशन हुआ था वो इस तरह से था, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यहां बनी है और दूसरा ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा 15 किलोमीटर दूर है। क्यों? क्योंकि मुझे चुनाव जीतना है। इस तरह से डिलिमिटेशन हुए। ये डिलिमिटेशन के सामने मैंने जानबूझकर एज ए लेजिस्लेटर न्यायिक डिलिमिटेशन लिखा था, वो आज मैं सदन को बताऊं। बहुत महत्वपूर्ण कानून, जो लोग कहते हैं, मैं कश्मीर के जो सांसद बैठे हैं उनको विशेष रूप से कहना चाहता हूं, क्या हुआ जो कहते हैं इनको बताना चाहता हूं। मान्यवर, जब आतंकवाद चालू हुआ, निशाना बनाकर सबको भगाना शुरू हुआ, घड़ियाली आंसू बहाने वाले तो मैंने बहुत देखे, शब्दों से अच्छे तरीके से सांत्वना देने वाले मैंने बहुत नेता देखे हैं, मगर नरेंद्र मोदी एकमात्र व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने इनके आंसू सात अर्थ में पूछने का काम किया। मान्यवर, उनकी पीड़ा का हम कल्पना नहीं कर सकते, जो करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी वहां छोड़कर जान बचाने के लिए कहीं बेंगलुरु, कहीं अहमदाबाद, कहीं दिल्ली, कहीं जम्मू में जाकर कैंप में रहे हैं, अपने स्तर से बहुत नीचे जीवन जी रहे हैं, इनकी पीड़ा की कल्पना हम नहीं कर सकते बाकी देश के हिस्से में रहकर। मगर जब वहां से भागे वो, करोड़ों रुपए की संपत्ति किसी ने कब्जा ली, कब्जा लेने के बाद कहा कि अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं जो देता हूं वो ले लो, औने पौने दाम में करोड़ों रुपए की संपत्ति एक प्रकार से छीन ली गई और प्रशासन चुपचाप बैठा, कोई कदम नहीं उठाए। और मनोवर, हमने इसका रास्ता ढूंढा, नया कानून बनाया और वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उनको वापस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी कर रही है। कांग्रेस के ढेर सारे मित्र बैकवर्ड क्लास करते हैं। कुछ नेता होते हैं जिनको हाथ में कुछ लिखकर पकड़ा लो तो 6 महीने नया कागज ना आए तब वही बोलते रहे बैकवर्ड क्लासिक। भाई, पहले आपका इतिहास तो देखो। मान्यवर, मैं ऐतिहासिक सत्य के साथ इस सदन के अंदर स्टेटमेंट करने में झिझक नहीं रहा हूं कि बैकवर्ड क्लास का सबसे बड़ा विरोध और बैकवर्ड क्लास को रोकने का काम कोई एक पार्टी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। मान्यवर, आज मैं पूछना चाहता हूं सदन के, पवित्र सदन के अंदर खड़े रहकर, पिछड़ा वर्ग आयोग को 70 साल से संवैधानिक मान्यता नहीं दी जाती थी, क्यों नहीं दी जाती थी? क्यों उनको यह सम्मान नहीं मिलता था जबकि संविधान का मैंडेट, मगर नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी जी ने इसको संवैधानिक मान्यता देने का। मैं आज पूछना चाहता हूं इस सदन के अंदर जो आम सभाओं में बैकवर्ड क्लास करकर घूमते हैं, मैं फिर से कहता हूं, उनको मालूम नहीं है इनकी पार्टी ने क्या किया है? किसने काका साहेब कालेकर कमीशन का रिपोर्ट रोक कर रखा? वो जवाब होना चाहिए, देश की जनता को मालूम पड़ना चाहिए। मंडल कमीशन के रिपोर्ट तक, जब तक वो सत्ता के बाहर नहीं गए तब तक लागू नहीं हुआ, और बाद में लागू हुआ भी तो विपक्ष के नेता ये नाते स्वर्गीय राजीव गांधी ने इसका विरोध किया। मान्यवर, विरोध, और आज वो बैकवर्ड क्लास की बात कर रहे हैं। मान्यवर, वो लोग बैकवर्ड क्लास की बात कर रहे हैं। कभी भी सेंट्रल एडमिशन स्कीम के अंदर बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देने का काम कांग्रेस पार्टी ने कभी भी नहीं किया, केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया।